हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि डिस्प्ले वाल से बिलिंग कैसे करें, डिस्प्ले वाल से बिल कैसे काटें। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में सर्च कर देना है RCMPOS। उसके बाद सर्च करने के बाद आपको एक ऐप का लिंक मिलेगा, RCMPOS ऑफिशियल ऐप का, उस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको पहले इंटर यूजर कोड माएगा, तो उसमें आपको यूजर कोड डाल देना है। जब आप रजिस्ट्रेशन के होंगे डिस्प्ले वाल का, तो आपको मिला होगा यूजर कोड, वो यूजर कोड डाल देना है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ यूजर कोड। उसके बाद यहाँ पे एडमिन आप अपना नाम लिख सकते हैं, मैं यहाँ कुछ नहीं करता हूँ, यहाँ पे रन देता हूँ। और यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है। जब आप अपने डिस्प्ले वाल पर 10,000 का खरीदारी कर लेते हैं तो आपको एक पासवर्ड मिलता है, वो पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। मैं यहाँ डाल देता हूँ पासवर्ड, और लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट एफ ईयर का ऑप्शन दिखेगा, आपको यह मतलब जो ईयर है उस ईयर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आपको बिल काटना है, तो बिल काटने के लिए सबसे पहले आपको 3 डॉट दिखेगा यहाँ पे, 3 डॉट कॉर्नर पे इस 3 डॉट को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन का ऑप्शन दिखेगा, ट्रांजेक्शन पे क्लिक कर देना है। ट्रांजेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, सेल्स और सेल्स रिटर्न का, तो आपको सेल्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, डायरेक्ट सेलर का, रजिस्टर बायर्स का और डायरेक्ट सेलर इमेज का। तो आपको डायरेक्ट सेलर से भी बिल काट सकते हैं और डायरेक्ट सेलर इमेज से भी। तो मैं दोनों तरीके से दिखा देता हूँ कि बिल कैसे काट सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट सेलर पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आईडी नंबर डाल देना है अपने डाउनलाइन का। डिस्प्ले वाल से आप केवल अपने डाउनलाइन का बिल काट सकते हैं, इसलिए आप अपना डाउनलाइन का ही यहाँ पे आईडी डाल सकते हैं। और या उसके बाद सबमिट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम सर्च करना है, आपकी डिस्प्ले वाल पे जो सब प्रोडक्ट अवेलेबल है वही बिल काट सकते हैं। तो आपको सर्च कर देना है, यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ हर्बल शैम्पू। यहाँ पे बैलेंस लिखा है, बैलेंस 31, यानी कि आपके डिस्प्ले वाले पे 31 शैम्पू बचा है। तो आप यहाँ पे बैलेंस आप कितना काटना चाहते हैं वहाँ पे लिख सकते हैं, 10, 15, जितना आप काटना चाहते हैं उतना लिख सकते हैं, लेकिन 31 से कम रहना चाहिए, क्योंकि आपके पास 31 है तो 31 से कम का बिल काट सकते हैं या फिर 31 से काट सकते हैं। तो मैं यहाँ एक करके ऐड कर देता हूँ, ऐड कर देना। ऐसे ही आपको दूसरा प्रोडक्ट भी सर्च करना है, जैसे अगरबत्ती मैं सर्च कर देता हूँ, अगरबत्ती आ गया। इस अगरबत्ती क्वांटिटी 1 रहने देते हैं, या फिर आप 2 करना चाहते हैं 2 कर सकते हैं आपसे। और उसके बाद आप ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद ऐसे ही आपको जो प्रोडक्ट का बिल काटना है वो प्रोडक्ट को ऐड करते जाना है, और ऐड करते जाना है। और किसी को यहाँ पे हटाना है, तो किसी को हटाने के लिए यहाँ पे कटिस का ऑप्शन दिखेगा, इस कटिस पे क्लिक कर देना है, तो आपका हट जाएगा। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको फिर सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक कर देंगे तो आपका बिल कट जाएगा, मैं नहीं काटना चाहता हूँ इसलिए कटिस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको दिखाते हैं दूसरा तरीके से, आप यहाँ पे डायरेक्ट सेलर इमेज पे भी क्लिक कर सकते हैं और बिल काट सकते हैं। तो इस पर आपको बहुत सुविधा होगा, क्योंकि आप यहाँ से इमेज देख देख के बिल काट सकते हैं किसी प्रोडक्ट का। जैसे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे पहले आईडी नंबर डाल देते हैं। आईडी नंबर डालने के बाद आपको सबसेमिट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी डिस्प्ले वाल पे जितना प्रोडक्ट रहेगा अवेलेबल उसका दिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे कुछ काटना है, जैसे यहाँ पे मूंग पापड़ है, तो उस पर उसको सबसे पहले काटना है, तो यहाँ पे इसको टिक लगा देना। टिक लगाने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, 1, 2, 3 जितना हो सके। यहाँ पे आप 1 रखिए, यहाँ पे टिक लगा दीजिए। उसके बाद नमक यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, जो सब आपको सेलेक्ट बिल काटना है उसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ से क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे 1 है, यहाँ पे 2 कर सकते हैं, तो यहाँ से 2 कर सकते हैं। ऐसे ही आपको अगरबत्ती है तो यहाँ पे कर देना, टिक लगा देना, और यहाँ पे 1, 2 जितना होता है बढ़ा सकते हैं क्वांटिटी। उसके बाद ऐड कर देना है,
ऐड करने के बाद आपको लिखाएगा आर यू सी और डू यू वांट टू ऐड, तो आपको नो और यस का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको इतना ऑप्शन दिखेगा जो सब आप काटना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपका बिल अमाउंट भी दिखा जाएगा कितना का बिल हुआ, और बेबी भी और टोटल आइटम 5 दिखा रहा है। आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएगा आर यू श्योर डू यू वांट टू सेव, तो यहाँ पे कैंसिल और सेव का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सेव पे क्लिक करना है और बिल कट जाएगा। तो मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे बिल नहीं काटना है अभी। तो इस प्रकार आप अपना बिल काट सकते हैं। और आप अपना स्टॉक में देखना चाहते हैं कि डिस्प्ले वाल पे अभी कितना बचा है, कितना अमाउंट उनका प्रोडक्ट बचा है, वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको रिपोर्ट पे क्लिक करना है। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको स्टॉक का ऑप्शन दिखेगा, स्टॉक पर क्लिक करना है। उसके बाद ऑन डाटा, ऑन डेट, ऑन डेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेना है। दो मतलब जब तक आप सेलेक्ट करना, जैसे यहाँ पे July 2 को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो July 2 तक आपको कितना प्रोडक्ट बचा है वो आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपके कितना बचा है, जैसे यहाँ पे है RCM पिकल्स, मिक्स पिकल्स, बैलेंस 1, यानी कि बैलेंस 1 का मतलब हुआ पिकल्स जो है 1 है बचा हुआ। ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं सब्जी मसाला बैलेंस 3, यानी 3 सब्जी मसाला है। इस प्रकार आप अपना देख सकते हैं कि डिस्प्ले वाल पे कितना बचा है। तो इस प्रकार आप डिस्प्ले वाल से किसी के आईडी पर, अपने डाउनलाइन के आईडी पर बिल काट सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।